सीएम नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बेचैन हैं। वे अब तक दो दफे सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि बीजेपी की वजह से कैबिनेट विस्तार नहीं हो पा रहा है। नई सरकार के शपथ के दो महीने से अधिक बीत गए, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी और जेडीयू में सहमति नहीं बन पा रही है। सिर्फ जेडीयू ही नहीं बल्कि बीजेपी के नेता भी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने से टेंशन में हैं। भूपेंद्र यादव के दिल्ली लौटने के बाद मंत्री पद की दौड़ में शामिल नेताओं की चिंता फिर से बढ़ गई है। मंत्रिमंडल में जगह पाने को लेकर बीजेपी के नेता पटना से लेकर दिल्ली दरबार तक दौड़ लगा रहे हैं। ये दौड़ नई सरकार के गठन के बाद से ही जारी है, लेकिन कैबिनेट में जगह पाने वाले नेताओं की प्रतीक्षा खत्म नहीं हो रही है। वे नेता ज्यादा परेशान हैं, जिन्हें लग रहा है कि इस बार तो उनकी बारी आने वाली है, लेकिन जो कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है, चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही है। मंत्री पद की दौड़ में शामिल बीजेपी नेताओं को जैसे ही इस बात की जानकारी लगी कि बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव दिल्ली से पटना आने वाले हैं, इसके बाद बेचैनी और बढ़ गई। भूपेंद्र यादव 25 जनवरी को ही पटना आए, 26 तारीख को पटना में रहे और 27 जनवरी को मिलन समारोह में शिरकत करने के बाद वापस दिल्ली लौट गए। बड़ा सवाल ये है कि विभाग के बोझ तले मंत्री दबे हुए हैं, फिर भी बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार में अभी देरी नहीं हुई है। मतलब साफ है कि जेडीयू बीजेपी में कैबिनेट पर अभी तक बात नहीं बनी है।